देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खरगोन के विकासखंड गोगामा के ग्राम पेनपुर में नदी पार फलिया से ग्राम तक का रास्ता खराब होने से और नदी के कारण जन्ने की गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए आशा कार्यकर्ता रेखा खोड़े के द्वारा बैलगाड़ी से गर्भवती महिला को उप स्वास्थ्य केंद्र पेनपुर तक लाया गया। वहां से जन्ने के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्टान लेकर गई महिला का सुरक्षित प्रसव करवाया गया। लड़के का जन्म हुआ है, माता और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। नदी पार फलिया में स्वास्थ्य सेवा देने हेतु ANMCH आशा कार्यकर्ता को बारिश के मौसम में जान जोखिम में डालकर नदी पार जाकर बच्चों एवं गर्भवती का टीकाकरण जांच एवं सभी प्रकार की सेवाएं दी जाती है। आशा कार्यकर्ता रेखा खोड़े CHO लक्ष्मी सेन और ANM सीमा छटिये आशा पर्यवेक्षक नर्मदा कुशवाहा का सराहनीय प्रयास रहा। नदी पार फलिया में गर्भवती महिला के भाई सुनील मेहता और सोमारिया सक्सेना राजराम मेहता मिथुन मोती सिंह रमेश सैलानी ने बताया कि हमारे फलिया के बच्चे कक्षा 5वीं के बाद की पढ़ाई के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए खरगोन से चेतन सेन की रिपोर्ट।